लाइन मारने का भी झटका लग सकता है। देखिए दिमाग काम नहीं कर रहा है, होगा तब ना काम करेगा। Hey guys, good morning, welcome back to my new vlog. तो कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप सभी ठीक हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। तो लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से नीचे लाइट नहीं है, ऊपर तो लाइट है। तो इस तरह की अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, फ्यूज़ का जाना, ये सब मैं खुद ही हैंडल करती हूँ घर में। अपनी लाइट में क्या प्रॉब्लम हो गई ये देखिए, यहाँ मीटर में लाइट आ रही थी और घर में हमारे लाइट नहीं जा रही थी, तो फ्यूज़ निकाला, पता चला कि फ्यूज़ उड़ गया है। ये देखिए अब ये फ्यूज़ भी लगाना पड़ेगा। देखिए ये बिजली लग रहा है, फ्यूज लग रहा है, फ्यूज उड़ चुका है घर में आधा। ये स्पार्क कर रहा है बहुत भयंकर, लाइन मारने का भी झटका लग सकता है। देखिए दिमाग काम नहीं कर रहा है, होगा तब ना काम करेगा। बिजली नहीं नहीं, जब दिमाग होगा तो काम करेगा, लेकिन दिमाग यहाँ है नहीं। देखो मोटर से पहले दिमाग वहाँ लगाओ। हाँ लगाना, लगा दिए। हाँ ठीक है, लीजिए आ गई लाइट, चेक करिए। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये मुझ में ऐसे ही कमियां निकालते रहते हैं और निकालते रहेंगे और मैं काम करके निकल जाऊंगी। फ्रेंड्स कृषि भी आ गया है और सुबह इन लोगों ने नाश्ता में पास्ता बनवाया था मेरे से और लेकर के मुझे टिफिन में भी गई थी, तो ये अपना रख के गया था कि मैं आऊंगा तो फिर खाऊंगा। आज ये जल्दी आ गया है। स्कूल में क्या है बाबू बताओ? आज हाफ डे था क्योंकि एक्सेलेंस अवार्ड मिल रहा था। हाँ अच्छा, तो कल मैंने बताया था ना, कल भी मिस्टी लेट आएगी, आज भी वो लेट आएगी क्योंकि वो कैप्टन है, तो उनके स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, इसलिए इनको जल्दी फुर्सत मिल गई। इनको कोई टेंशन नहीं, इन्होंने किसी में पार्ट नहीं लिया। हम लोग का था ही नहीं पार्ट लेना ही। अच्छा, नाइन्थ के बच्चों को नहीं लेना था? अच्छा, कितने क्लास तक के बच्चे ले रहे हैं इसमें पार्ट? 10th 11th ऐसे। अच्छा अच्छा, और जो मतलब हम लोग का तो जो गेम वाला है वो 6th है। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर तुम रेस्ट करो। सो अभी गाइस मैंने ले लिया अपना लंच और ये देखिए मैंने किस तरह से लिया है, कटोरे में खिचड़ी ले ली है और थोड़ा सा लिया है मिर्ची का अचार। जी हाँ, मिर्ची का अचार कभी कभी मन करता है ना, बहुत अच्छा लगता है खिचड़ी के साथ, तो और भी अच्छा लगता है। और ले लिया है आलू बैंगन का भरता बनाया था मैंने वो, और अब मैं बैठ के मजे से खाऊंगी, थोड़ी देर टीवी देखूंगी। इस बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत थी। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है, इसकी जरूरत भी थी। वैसे तो मुझे शॉपिंग पे जाना था, आज भी कुछ लेना है एक्चुअली, मम्मी मतलब साड़ियाँ मंगाना चाहती हैं, कहीं कहीं ज़रूरत है साड़ियों की, तो वही साड़ियाँ लेनी थी मुझे, मगर अभी तो जा नहीं सकते हैं, बारिश बंद होगी तो जाएंगे, लेकिन ये कि छूल छूल हो जाएगा, बाहर जाने लायक हो जाएगा, गर्मी उतनी नहीं होगी, बहुत गर्मी थी आज, इस बारिश की ज़रूरत बहुत ज़रूरत थी। तो फ्रेंड्स निकल रही हूँ फिर से शॉपिंग पे, बोला था ना मैंने कोई मुझे जाना है, साड़ियाँ लेनी है कुछ, तो बस उसी के लिए निकल रही हूँ। और अभी पांडे जाते हैं, पांडे जी के साथ जा रही हूँ, अभी पांडे जी का वेट कर रही हूँ, आ रहे हैं थोड़ी देर में। और मैं तो गाइस बहुत सोई, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, बारिश हुई तो थोड़ा सा मैं सो गई। ये देखिए मौसम, सुहाना मौसम, इसमें मार्केट जाने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा, शॉपिंग करने में भी थोड़ा ठीक लगेगा। बारिश से देखिए गाइस हमारे दरवाजे की मिट्टी पूरी बह गई है, इतनी ख़राब मिट्टी दरवाजे पे हमारे गिरी, ये देखिए मिट्टी का हाल। पांडे जी अपनी सीट पे प्लास्टिक लगा रहे हैं कि कहीं गीला ना हो जाए उनका पैंट। बाइक मोड़ लीजिए, इतना सुंदर ग्रीन व्यू, वाह प्यारा। नहीं तो प्लास्टिक बिछा दिया, पूरा पानी है इसपे। अरे तो चलो पानी उठता है।
गाइज शॉपिंग तो मेरी हो गई डन, अब निकलते हैं यहाँ से। अच्छी साड़ी दी भैया ने, ठीक लग रही है। तो गाइज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे लगता है मैं तो भीग ही जाऊँगी आज। चलते हैं अपनी साड़ी ले लिए, साड़ी पेटीकोट का कपड़ा लेना है मुझे, तो उसके लिए चलते हैं शॉप देखते हैं। सो गाइस काफ़ी दिक्कत हुई मुझे बीच में, तो मुझे मेरा एक भाई मिल गया था चंदन, उसने कुछ दूर तक अपनी गाड़ी से ड्रॉप कर दिया। फिर मैं आ गई इधर न्यू कॉलोनी की तरफ और यहाँ से मुझे टच वुड एक रिक्शा मिल गया, तो मैं बस अब इधर से निकल रही हूँ और बस थोड़ी दूरी पे है और बारिश भी हो रही है गाइस, बहुत मुश्किल। आज तो बहुत मुश्किल में फंस गया, पांडे जी ने अटका दिया यहाँ पे ले आ करके, साथ में होती कोई दिक्कत नहीं थी। बट देखिए रिक्शा भी ऐसे चल रहा है खट खट करके और मैं जो बहुत मुश्किल से जा रही हूँ, बारिश थोड़ी बंद हो जाए। जो मुझे पैदल जाना है ना थोड़ी दूर, आप लोगों को तो पता ही मुझे घर तक तो कोई भी नहीं छोड़ पाएगा, तो बस निकलती हूँ। तो मुझे गोदाम तक छोड़ देंगे क्या? थोड़ी दूर है इधर से बाएं गोदाम, यहीं से लेफ्ट साइड से तो है गोदाम, यहीं से घूमना है, थोड़ी दूर तो है बस, वहाँ तक छोड़ दीजिए मुझे। धन्यवाद आपका छोड़ने के लिए। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं बनाए, चलिए थैंक यू। मैं आ गई अपनी कॉलोनी में, आपको दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को बट कि बारिश कितनी कैसे हो रही है, बट बारिश हो रही है। देखिए देखिए गाइस आपको बारिश दिखाई देगी। अब मैं इसी में जा रही हूँ घर, भीगती भागती एक लड़की भीगी भागी सी। एक्चुअली हम लोगों ने जो निकलने में लेट कर दी ना उसकी वजह से देखिए अभी अंधेरा हो गया है, बट ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, मुझे लगता है 7:30 या 7:45 बजते होंगे। लेकिन अच्छा भी लग रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय मुझे एक गाना भी याद आ रहा है, एक लड़की भीगी भागी सी आधी रातों को जाती सी। काफ़ी चीज़ें पार कर ली मैंने, बस अब घर आने ही वाला है गाइस। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। तो दिखाती हूँ सड़क का हाल, अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए किस तरह से सड़क पे पानी लग गया है। फ्रेंड्स अब तक लाइट नहीं जल रही थी रोड पे, मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई स्नेक वगैरह ना निकल जाए। मैं फ्लैश लाइट ऑन करके चल रही थी, कहीं भी कुछ भी निकल सकता, रोड पे बड़ा डर लगता है। सो फ्रेंड्स मार्केट में तो मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की, मैं बिल्कुल अकेली थी, पांडे जी अपने काम में बिजी हो गए थे, फिर मैं उधर से अकेली आई, जो कर पाई वो उतना किया। अब जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए, जानते ही आप लोग लास्ट में तो डिनर का मेन काम होता है, तो मैं अभी जा रही हूँ फिलहाल डिनर बनाने के लिए। और ये वाला जो मैंने न्यू प्लाजो लिया है ये आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। इस टॉप के साथ ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, खिल रहा है इसके साथ, तो आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैंने दो प्लाजोज मंगाए थे, एक मरून और एक ये ब्लैक, तो मरून वाला मैं किसी दिन और पैर किसके साथ पैर करूँगी सोचूंगी, पैर करके दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स डिनर बना दिया, यहाँ बनाई है मैंने सब्जी और ये है रोटी, आज एकदम सब्जी रोटी सादा सादा। फ्रेंड्स कृषि सो गया है, थक गया है बहुत ज़्यादा, कोचिंग से आया है ना तब से सो रहा है, अब जा रही हूँ जगाने। इसको सोते समय उठाना मतलब बहुत बड़ा काम होता है, अगर नींद पूरी हो मॉर्निंग में जगाना तो फिर कोई बात नहीं, मगर इस वक्त जगाना बहुत मुश्किल है। कृषु बाबू, ए कृषु खाना नहीं खाओगे? उठ जाओ। क्या क्यों हाँ क्यों नहीं? उठ जाओ बाबू, बाबू उठ जाओ बेटा। क्या खाए हो, क्या खाए हो? थोड़ी सी रोटी सब्जी खा लो, मम्मा खिला दे। नहीं यार नहीं खाना है। तू रात भर सो गई थी और रात में भूख लग गई तू? नहीं लगी। देखा ना फ्रेंड्स, अभी तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि होश में था क्योंकि मीठी इसको एक बार जगाने के लिए आई हुई थी, तो थोड़ा थोड़ा सा ये होश में आ चुका था, ये खाएगा बिल्कुल भी नहीं कुछ भी कर लो। लेकिन मैं ट्राई करूंगी अब हाथ से खिलाने का, कभी कभी ऐसे उठ के बैठ के खा लेता है सो याद नहीं रहता है, मैं खिला दूंगी। मैं खिला दे रही हूँ।
बैठो ना धीरे धीरे करती है, बैठो तो सही ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब खत्म कर दिया। बाबू ना खाए निका खाए मत सो फ्रेंड्स। आज मैंने ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाया, ज्यादा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों थकान सी लग रही थी। तो सुबह जब मैंने नाश्ते की बात की तो सब लोगों ने बोला ओट्स बना दो, तो मैंने ओट्स बना दिया और मुझे फुर्सत मिली। मैंने बोला आज सैटरडे है तो खिचड़ी बना दूं क्या दोपहर में, तो सब लोग अग्री हो गए और मैंने बना दी खिचड़ी। तो मैंने आज ज़्यादा मेहनत नहीं की है और थोड़ा सा बैंगन का भरता बनाया था साथ में, तो वो हो गया। और शाम को बस मैंने कहीं मैंने कहा कुछ भी स्पेशल नहीं, रोटी एंड सब्जी सादा सादा खा लो तुम लोग, तो इस समय बना दी है मैंने। और अब जल्दी जल्दी सबको खिला रही हूँ, इधर बना रही हूँ चपाती। तो बस वीडियो को ही एंड करती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए एंड पॉजिटिविटी बांटते रहिए। बाय बाय।